मैं मेहंदी लगवा के आ गई हूँ घर और टाइम हो गया है 2:15। मेरे बेटे का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, ये देखिए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, आप सब कैसे हैं। रेनू की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग का सबसे बड़ा टेंशन बच्चे के टिफ़िन में क्या देना है, अगर जो हम सोचते हैं वो बच्चा कभी नहीं लेके जाता। मेरा बेटा तो अपोजिट ही होता है, क्योंकि मैंने शाम को सोचा था, सोने से पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं आज उसको ये सब्ज़ी बना के दूँगी, बट मॉर्निंग में उठी तो उसने बोला मुझे आज सब्ज़ी रोटी पराठा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ मीठा बना के दो। मैंने बोला बेटा मीठे में पेट नहीं भरेगा, आप टिफ़िन में कुछ भी और मैं बना देती हूँ। नहीं तो सबसे पहले मैंने अपने माइंड को शांत करने के लिए, सबसे पहले मेरी आदत होती है मैं गर्म पानी पीती हूँ मॉर्निंग में। फिर मैंने उससे पूछा क्या बनाना बेटा, तो मैं सोचते हुए बैठी थी गर्म पानी पीने के बाद, फिर मेरे बेटे ने बोला मुझे आज सूजी का हलवा चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला हलवा तो जल्दी बन जाता है क्योंकि उसकी 7 बजे बस आती है, तो मैंने बोला ओके मैं आपके लिए हलवा बनाऊंगी, सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय मॉर्निंग की। सबसे पहले चाय पीती हूँ, फिर दिमाग घोड़े की तरह दौड़ाती हूँ। किस किस को मॉर्निंग में सबसे पहले चाय चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में भी बहुत लोग ऐसे जो मॉर्निंग में चाय नहीं पीते हैं, मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ मॉर्निंग में, तो सबसे पहले मुझे चाय चाहिए अपने लिए दूध वाली, हस्बैंड के लिए काली चाय बना रही हूँ क्योंकि उन्हें दूध वाली चाय पसंद नहीं है इसलिए, और मुझे काली चाय मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती इसलिए मैं, हम दोनों अलग अलग चाय बना रहे हैं। सबसे पहले चाय पी लेते फिर मैं बनाऊँगी बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट। और बहुत लोग मेरे लाइव में भी आते हैं, नॉर्मल कमेंट भी करते हैं कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, आप लाइव क्यों आते हो, तो मुझे अच्छा लगता है लाइव आना, वीडियो बनाना। अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो देखिए, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए चाय पीते हैं, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। ये देखिए चाय बन गई है, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के मॉर्निंग में चाय पी लेते हैं, थोड़ी बातें साथे भी होती हैं और टाइम होता है तो चाय पी लेते हैं साथ में बैठ के, नहीं तो फिर बाद में बना के पीती हूँ, कभी मैं जल्दी पी लेती हूँ फिर हस्बैंड को अलग से देती हूँ क्योंकि वो कभी बोल देते हैं अभी मेरे को नहीं पीना, बट मॉर्निंग में मैं चाय पीऊँगी इसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। इसलिए ये देखिए मैं आ गई किचन में चाय पीने के बाद, अभी मैं सूजी पूछ लेती हूँ क्योंकि इस मॉर्निंग में मैं तो ब्रेकफास्ट करती नहीं, बस मैं अपने बेटे के लिए हलवा बनाऊँगी, हस्बैंड भी नहीं खाएंगे इसलिए मैं थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ। देखिए हलवा भी बनने के लिए रेडी है और मेरा बेटा नहा के आके पूजा कर रहा है, और हस्बैंड ने आज मॉर्निंग में ही ठान लिया कि मैं भी कुछ काम करूँगा, तो किचन में लगाने के लिए फ़ैन लेके आए थे, नाइट में लेके आए थे तो उन्होंने रख दिया था, अभी मॉर्निंग में वो सेट कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे के लिए हलवा बना दी हूँ और मैं थोड़ा सा उसके लिए फ्रूट कट करके डाल देती हूँ। मेरे बेटे का फेवरेट फ्रूट एक है वाटरमेलन और एक है ये पपीता, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा अगर हलवा नहीं भी खाएगा ठंडा हो जाएगा तो मैं ये पपीता खा लेगा, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा फ्रूट कट करके भी डाल देती हूँ। और आप लोग आपने बच्चे के ब्रेकफास्ट में क्या क्या देते हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके बच्चे भी नखरे करते हैं कि नहीं एक बार प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा बेटा तो बहुत नखरे करता है। ये देखिए मेरे बच्चे का लंच बॉक्स रेडी है, अभी मैं उसके लिए टिफ़िन रेडी कर दी, अब मैं उसके लिए बादाम छील के दे देती हूँ, उसको मैं डेली 2 या 3 बादाम देती हूँ। और अभी ये रेडी हो गया है, हस्बैंड ने लगा दिए मतलब फ़ैन को रेडी कर रहे हैं, उसका जो पार्ट्स होते हैं उसको जोड़ रहे हैं। मैंने बोला बेटे को छोड़ के आ जाइए आज आप, फिर इसके बाद मैं आपकी भी हेल्प कर दूँगी और काम भी होता रहेगा, इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा उसको दे दिया कि गर्म गर्म थोड़ा सा हलवा खा लो। और मैं कुछ हस्बैंड से बातें भी कर रही थी और हस्बैंड बैठ के नीचे फ़ैन को जोड़ रहे थे। Thank you.
ये देखिए मेरा बेटा टॉवल, डेली बोलती हूँ बाहर डाल के जाना है बट डालता नहीं है। और अभी ये रूम भी पूरा मैसी पड़ा है, अभी काम में लग जाती हूँ। डेली का यही रूटीन है। और आप लोग को मेरा डेली का रूटीन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। सबसे पहले मुझे जो कपड़े धोना है उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और निरमे में डुबो देती हूँ, क्योंकि मैं मशीन में कपड़े धोती नहीं हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं निरमे में कपड़े डुबो देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का वाइट ड्रेस भी था, उसको भी धोना पड़ता है मुझे। इसलिए ये कपड़े कलर नहीं छोड़ते, इसलिए मैं एक साथ ही डुबो देती हूँ। जो मुझे पता है वो कलर छोड़ते, मैं उनको अलग से डुबोती हूँ। ये देखिए आराम से एक घंटे आधा घंटे गल जाएंगे, इसके बाद ही मैं कपड़े धोऊंगी। अभी सबसे पहले मैं ये बिस्तर बना लेती हूँ, सबको झाड़ झूड़ के फिर इकट्ठे मैं एक बार में झाड़ू मारती हूँ। पूरा सामान समेटने के बाद पूरे घर का सामान जो जहाँ जगह होती है मैं उनको जमा देती हूँ। और फिर इसके बाद जो मुझे सामान जहाँ रखना है जैसा रखना है उनको रखने के बाद मैं पूरे घर में झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि धूल तो एक साथ ही झड़ती रहती है। इसलिए आप लोग कैसा करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ये देखिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में होता है हमारा स्प्राउट, इसमें है खीरा और चुकंदर और गाजर, और इसमें सभी को मैंने स्प्राउट करके रखा है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट हस्बैंड को दे दिया था और मैं नहा के आके फिर ब्रेकफास्ट कर रही थी। मैं भी यही खाती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी और रोटी बनाऊँगी। दूध गर्म करके रख दिया है क्योंकि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, मॉर्निंग का पूरा काम हो गया है। और आज ये जो ब्लॉग है ये मेरा एकादशी का है। आप लोग एकादशी के दिन चावल खाते हैं कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम तो नहीं खाते हैं, आप खाते हैं कि नहीं? जब याद आ जाता है तो नहीं बनाते, जब बहुत ही ऐसा होता है रेयर केस कि नहीं याद आया, बाकी तो हमें याद रहता है। मैं ज़्यादातर कैलेंडर देखती रहती हूँ क्योंकि मैं प्रदोष व्रत रखती हूँ ना, इसलिए। अभी किचन देखिए कितना अच्छे से क्लीन है। और अभी मैं कद्दू की सब्जी और रोटी बनाऊँगी। टाइम हो गया है 2:15 हो रहे हैं, मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया है। देखिए 2:15 हो गए हैं और अभी मेरे बच्चे का आने का टाइम हो गया है। मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ, ये तो बोलेगा मम्मी बाहर नहीं निकली, इसलिए बाहर निकल जाती हूँ। और आप लोग को ये देखिए ये कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अंदर गाड़ी रखोगे ना? जाने वाली थी अपने बेटे के लिए, इसको साथ में लेके आ गए। ये देखिए मेरा बेटा स्कूल से आ गया है। अभी मैं बना लेती हूँ रोटी, रोटी सेक लेती हूँ क्योंकि मैं रोटी तो गरम गरम ही सेकती हूँ। रोटी ठंडियाँ हो जाती है, भले गर्मी है पर ठंडी रोटी घी भी नहीं लगता अच्छे से और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए मैं बना लेती हूँ रोटी सबसे पहले, और फिर हम सब खाना खाने के बाद। आप लोग ऐसा बैठते हो खाना खाने के बाद कि नहीं? मतलब घुटने के बल खाना खाने के बाद बोलते हैं बैठना चाहिए, पाचन शक्ति अच्छी होती है और डाइट भी अच्छी होती है, इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरे बेटे की थाली लग गई। सबसे पहले मैं बेटे को दे देती हूँ उसके लिए रोटी। सबसे पहले तो मैं गाय की रोटी निकालती हूँ, फिर इसके बाद मैं अपने बेटे को रोटी सेक के दे देती हूँ, फिर हस्बैंड की, फिर मेरी। खाना खाने के बाद मैं बच्चे का ईयर साफ कर देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता नहाने के बाद, वो बोलता है। बट मैंने बोला आज मैं उसका ईयर साफ कर देती हूँ क्योंकि बहुत दिन से साफ़ नहीं किया था। इसे तो ज़्यादा साफ़ नहीं करना चाहिए, बट वही है कान में पानी होनी इधर से उधर जाता रहता, थोड़ा धूल धक्कड़ भी होती, इसलिए मैंने बोला कान साफ़ कर देती हूँ। फिर ये देखिए इवनिंग का टाइम हो गया और इवनिंग में मैंने बर्तन धोए नहीं थे खाना खाते। हाथों हाथ कभी धो लेती हूँ, कभी कभी नहीं धोती, मन नहीं करता, इसलिए बर्तन धो लिया। फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और ये देखिए आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके एक रिप्लाई दीजिएगा, जिसके यहाँ ये स्लाइडर खिड़की लगी है वो आप लोग कैसे साफ़ करते हो? मैंने तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि छिपकली पोटी कर देती हैं और बीच बीच में फंस जाता है, वो साफ़ नहीं हो पाता झाड़ू से पानी से, इसलिए वाइपिंग क्लीनर जो है ना उससे मैंने हस्बैंड को बोला इसको खींच लीजिए तो शायद साफ़ हो जाए। ये देखिए हस्बैंड भी साफ़ तो हो गया था। और ये देखिए पूरे घर में मैंने जितनी भी हमारे 3-4 खिड़कियाँ लगी सभी को मैंने साफ़ करवाया था, क्योंकि ये भी आपको पता है 30 गणपति जी आने वाले हैं तो घर की सफाई तो बनता ही है कि थोड़ी घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए। साफ़ सफाई तो ऐसे ऑलरेडी हम कभी हफ्ते में एक बार मैं करती रहती हूँ, बट ये खिड़कियाँ बहुत हो ही जाती है, बाहर बाहर से तो साफ़ हो जाती है, बट ये जो डीप क्लीनिंग होती है वो महीने में 15 दिन में एक बार ही होती है। और अभी तो थोड़ी सी बारिश हो रही तो धूल कम उड़ती है, बाकी धूल तो होती है। ये देखिए मेरी पूरे सुबह मॉर्निंग की क्लीनिंग हो गई है और अभी ये बच गया था इसलिए मैं बोली इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ तो मुझे ही करना, आज करूँ या कल करूँ। और इंसान को अपना रूटीन बना के रखना चाहिए, एक ही दिन पूरा कचरा नहीं निकालना चाहिए, धीरे धीरे हमेशा साफ़ सफाई करते। और मेरी आदत है अगर 2-4 दिन हो जाता है तो मैं अगर घर का क्लीनिंग ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है मैंने कितने दिन से घर की सफाई नहीं की, इसलिए। और जो हमारा काम है वो तो हम करेंगे ही और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अपने घर की साफ़ सफाई करने का जिम्मा तो लक्ष्मी की ही होती है, जो
हम औरतें घर की अपने लक्ष्मी भी होती, लोग तो भले कुलक्षणी मानते हैं बट हम अपने घर की लक्ष्मी ही होती है। अगर हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए अभी मैं पूरा क्लीनिंग कर लेती हूँ, घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। ये देखिए पूरे मैंने घर में अच्छे से झाड़ू उड़ू लगा लिया। अभी आएगी पोछा लगाने की बारी, तो मैं किचन में पूरे बर्तन इकट्ठे करके और फिर मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने मॉर्निंग में घी निकाला था, ये दही जमा के जो हम निकालते मलाई उसे घी निकालती हूँ, तो घी पका के भी पकाने के लिए भी रख दिया था, तो घी पक गया। मैं उसको छान के अभी डब्बे में रख देती हूँ। मॉर्निंग के पूरा काम ख़त्म हो गया है और अभी थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए मैंने बोला थोड़ा चाय बना लेती हूँ। और मैंने दाल और चावल बना दिया क्योंकि आज मुझे जाना है मेहंदी लगवाने के लिए। इसलिए मॉर्निंग के बज गए थे 10:30 और मॉर्निंग में पूरा काम ख़त्म हो गया मॉर्निंग से। और हेयर वॉश किया है इसलिए चुड़ैल लग रही होंगी। और अभी हमने चाय पी लिया और मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए हेयर तो अभी गीले थे तो मैंने ऐसे पोनी बना ली और हस्बैंड भी रेडी हो गए। वो चिल्ला रहे जल्दी चलो फिर भीड़ हो जाएगी मार्केट में, इसलिए अभी मैं रेडी हो गई हूँ। खाना इसलिए बना दिया क्योंकि आते आते टाइम भी हो जाएगा, मेरे बेटे का भी टाइम हो जाएगा स्कूल से आने का, इसलिए अभी मैं रेडी हो गई हूँ। अभी चलते हैं मेहंदी लगवाने। और आप लोग ने खुद से लगाया था या बाहर जाके लगवाया था मतलब पार्लर में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हस्बैंड वाइफ रेडी हो गए हैं और हमारी धन्नो भी निकल रही है। देखिए हम पहुँच गए मार्केट मेहंदी लगाने के लिए। क्या कर रहे हो? भीड़ तो मेहंदी वाली दुकान में भीड़ हो चुकी थी क्योंकि लगवाने के लिए, और बाकी तो अभी जो शॉप होते वो खुली नहीं थी। फिर हमने रेट फिक्स किया, रेट तो इतना ज़्यादा बोल रहे थे। फिर हस्बैंड ने बोला आप आए हैं तो लगवा ही लो। ये देखिए, और आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आए तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या गलती है क्या सही है कॉमेंट करके एक बार प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर आगे तक जाऊंगी, और नहीं करेंगे तो वहीं रह जाऊंगी, जहां से उठी आई थी वहीं रह जाऊंगी। ये देखिए मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी है और मैं कैसी लग रही हूं, ठीक है। ये देखिए मेहंदी लगवाने के बाद हमें थोड़ा सा बाहर भी काम था, हमने वो किया और फिर इसके बाद हम आ गए थे घर। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, तीज के ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर। मैं मेहंदी लगवा के आ गई हूँ घर और टाइम हो गया है 2:15, मेरे बेटे का स्कूल से आने का टाइम हो गया है। ये देखिए, और आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी है।